भारत में पहली बार बच्चों से संबंधित रहस्य और रोमांस से पूर्ण मनोरंजक फिल्म 1978 नाइट आउट का रिलीज 3 मई को सिनेमाघरों में होने जा रहा है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फिल्म के कलाकार एवं गायक ऋषभ राज ने बताया। हमारा नाम ऋषभ राज है। हमारी फिल्म का नाम है 1978 A Night Out और उसमें हमारा किरदार भूषण मेहरा नाम का है, जो कि सेकंड लीड है। और ये फिल्म, जैसा कि आपने टाइटल सुना है 1978, ये फिल्म ईयर 1978 की है और ये काफ़ी रेट्रो लुक है इसमें। और ये जो फिल्म है ये थ्रिलर है, सस्पेंस है और बाकी आप जाइए देखिए, पता चल जाएगा। फिल्म की शूटिंग 80% मुंबई में हुई है और 20% देहरादून और मसूरी में हुई है। इसकी क्या थीम है, उसका थीम यही है कि 1978 में कुछ 7 स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, और वो एक फिल्म स्टूडियो में गए हैं अपना नाइट आउट करने के लिए और वो ट्रैप हो जाते हैं। सो ये पूरी कहानी है कि कैसे ट्रैप हो गए, क्या हुआ, कितने बचे, कितने सर्वाइव हुए, कितने मारे गए, कैसे निकले, पूरी कहानी उसके ऊपर है। सो बेसिकली थ्रिलर फिल्म है, जाके देखिए। नहीं, ये सब लोग देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, बूढ़े देख सकते हैं, नौजवान देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख सकते हैं, जो भी देखना चाहे सब कोई देख सकता है। इनफैक्ट हम बोलते हैं पिक्चर आप अपने घर के पेट्स को ले जाके भी दिखा सकते हैं, उन्हें भी समझ में आएगी। जी ये ऑल ओवर इंडिया 3 मई को रिलीज़ हो रही, 3 मई को रिलीज़ हो रही है और गोरखपुर में 10 तारीख के बाद रिलीज़ होगी, जैसा आपके में बताया गया है। ये फिल्म ऑल इंडिया 400 स्क्रीन्स में रिलीज़ हो रही है। हाँ जी।